अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार से मैडेलाइंस बनाना सिखाएंगे, जो कि शेल शेप के छोटे छोटे स्पंज केक्स होते हैं, लेकिन आज हम हनी फ्लेवर के सिखाएंगे। ठीक है, हनी मैडेलाइंस हैं, ये टिन आपको यहाँ मिल जाता है, नहीं हो तो किसी भी और शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैडेलाइंस आर नॉर्मली शेल शेप्ड। अच्छा, इसके बाद हम मेथी से, यानी कि फेन्यूग्रीक लीव्स से, मेथी से और मकई से कबाब बनाना सिखाएंगे, एक डिप के साथ, प्याज के लच्छों के साथ सर्व करेंगे, कॉर्न और आलू के साथ। ठीक है, ये आप देखिएगा, सीखिएगा, ज़रूर बनाइएगा। पोटैटो सैलड है और तीसरी रेसिपी, वेरी सिंपल येट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। झटपट असेंबल करें, मिक्स करें और सर्व करें, स्पेशली ऑन हॉट डेज जब कुछ खाना पकाने का दिल नहीं करे और आलू बॉइल्ड हों घर में। हनी मैडेलाइंस के लिए 150 ग्राम का सारा रेशियो है, 150 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 150 ग्राम मैदा है, 150 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, शहद है 1 टीस्पून जितना, मक्खन और मैदे के साथ ग्रीस और डस्ट हम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास है मक्खन। अच्छा, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं मक्खन को पिघला देती हूँ, फिर मुझे आसानी होगी टू ग्रीस। इसको मक्खन को बीट नहीं करना है, मक्खन को पिघलाना है, थोड़ा सा ठंडा भी तब तक हो जाएगा। इसी में से हम ले लेंगे जो मुझे मक्खन से ग्रीस करना है। ठीक है, इसको मेल्ट करके मक्खन को थोड़ा सा ठंडा करिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा। गरम गरम पिघला हुआ मक्खन हम अंडों में नहीं डालेंगे, वो स्क्रैम्बल हो जाएंगे। अवन को ऑन करके रखिएगा, प्रीहीट करिएगा, जिस टेम्परेचर पे आप बेकिंग करते हैं उसी टेम्परेचर पे प्रीहीट करिएगा, यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मक्खन जल नहीं जाए। ठीक है, वैसे एक रेसिपी है ब्राउन बटर से कुकीज़ एंड लॉट्स ऑफ रेसिपीज़, उसमें ब्राउन बटर करना होता है तो मक्खन को हम जलाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ सिर्फ मेल्ट करिएगा, नज़र रखिएगा, बहुत जल्दी मक्खन हो जाता है क्या कहते हैं, काला सा या ब्राउन बिट्स उसमें आ जाते हैं, बर्न हो जाता है। आँच हल्की रखिएगा, मक्खन को हमें पिघलाना है। अच्छा, चीनी और अंडे हम बीट करेंगे, फिर ठंडा करके ये मक्खन हम इसमें डालेंगे, उसके बाद हम इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डालेंगे, शहद डालेंगे। अगर आपको कोको पाउडर के मैडेलाइंस बनाने हैं चॉकलेट फ्लेवर के, तो एक चमचा कोको पाउडर छान के डालिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ चॉकलेट चिप्स डालने हैं चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, आप इसको कोई भी फ्लेवर का कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि मैडेलाइंस प्लेन हो, ऊपर से आप उसको या आइसिंग शुगर छिड़क दीजिए या चॉकलेट ड्रिजल कर दीजिए, ऐसे ही प्लेन ही बेस्ट रहते हैं, चाय के लिए ये हैं, टी टाइम के लिए बेहतरीन रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं इसी में निकाल देती हूँ ताकि नज़र भी आप लोगों को आए, और पूरा नहीं लेंगे बिकॉज ये ज़्यादा था मक्खन, हमें यूज़ करना है टू ग्रीस ऑल्सो, राइट। तेल से नहीं ग्रीस करिएगा, इसको मक्खन से ही ग्रीस करिएगा, और चूंकि मेरे पास एक ही टिन है तो बार बार इसको हमें रखना पड़ेगा, तो हम हर दफ़ा आप इसको ग्रीस करिएगा। ठीक है, आधा आधा बैटर इसमें जाएगा, ये अच्छी तरह इस पे लगाइए मक्खन, ताकि आसानी से इसमें से निकल आए, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह के शेप के जो मोल्ड्स होते हैं उसमें थोड़ी हम कोई पेपर वगैरह लगाते हैं। ठीक है जी, हो गया। अब हमें इसको डस्ट करना है मैदे के साथ, ये मैदा लिया आपने, थोड़ा डाला, थोड़ा इस तरह डालते गए, थोड़ा थोड़ा, हाँ हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, और आपने क्या करना है, एक्सेस मैदा जो हो उसको आपने निकाल देना है ऐसे करके बिन में। ठीक है, ये रेडी हो गया आपका टिन। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बीट कर दूँगी चीनी अंडों के साथ, तो 3 अदद अंडे हैं यहाँ मेरे पास, इसी को यूज कर लेते हैं। हाँ,
अंडे बीट हो गए, थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालनी है। एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है? जब आप अंडे बहुत अच्छी तरह बीट करते हैं तो आप देखिए कलर कितना इसका लाइट पेल एंड फ्लफी हो जाता है। ये फ्लफी हो जाता है ना मिक्सचर पूरा, इसी तरह बनाइएगा, ठीक है? ये कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम मैदा, बेकिंग पाउडर, शहद डालेंगे। सो दोबारा रिकैप कर दूं, 150 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 3 अदद अंडे थे, 150 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 150 ग्राम मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून शहद है, और मक्खन के साथ हमने इस मोल को ग्रीस किया था पिघले हुए मक्खन के साथ और मैदा छिड़क दिया था। ओके, डन, ठीक है जी। अब इसमें मैं डालूंगी मैदा और बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर को इसी में मैदे में हम शामिल कर देते हैं। ये हो गया, और शहद मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, हाँ बस 1 टीस्पून, अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। मैडेलाइंस भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलते हैं, लेकिन मुझे समहाउ सिंपल प्लेन वाले ही पसंद हैं। अब इसको दोबारा बीट करेंगे। हो गया, अब हम इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल कर देते हैं और हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर देंगे यूजिंग अ स्पैचुला। हल्के हाथ से फोल्ड कर दीजिएगा। चाहें तो एक दफा मशीन चला सकते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ अच्छा, अब क्या रहता है, ये मक्खन, राइट? पिघला हुआ मक्खन जो कि थोड़ा सा ठंडा हुआ है। आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज वी शुड टेक अ ब्रेक। हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेंगे, तब तक ये मक्खन भी थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह हल्के हाथ से और फिर हम इन मोल्स में बेक करने रख देंगे। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और मैं हनी मैडेलाइंस बना रही हूँ, यानी छोटे से स्पंज केक्स, जो शेप होता है इसका सी शेल का, ठीक है, सी पी का। सो दिस इज अ टिन, इस तरह के मिलते हैं मैडेलाइन टिन, जिसको मैंने मक्खन से ग्रीस किया था और मैदा छिड़क दिया था, एक्सेस मैदा आप फेंक दीजिएगा। अब जो ठंडा हो चुका है मक्खन, वो हमें इसमें डालना है। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और उसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है? 150 ग्राम का पूरा रेशियो इसका था, तो 150 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 150 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 150 ग्राम मैदा छान के, 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर गया, ठीक है? अब असूलन तो ये जो मैडेलाइन का बैटर होता है ना, इसको आपको रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, फिर आप उसको बेक करिए। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसको फ़ौरन रख दूँगी बेक होने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव नो टाइम ऑन आ शो टू वेट, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास ऐसा टिन नहीं हो येट, आपको टी टाइम के लिए छोटे से केक्स बनाने हो, तो कोई भी छोटा केक का मोल्ड यूज़ करके बना लीजिएगा। छोटे पेस्ट्री टार्ट्स के जो आते हैं ना मोल्ड्स, उसमें भी आप बना सकते हैं। दैट्स इट, इसको ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना है। अब आप इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से, ताकि हम आसानी से टिन में रखते जाएं। साइडों से हमेशा अंदर इस तरह लेते हैं, और ये आपका बैटर रेडी। मैं एक साफ चम्मच से इसमें पॉ करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा भी हमने पॉर नहीं करना है, ठीक है? एक एक कैविटी में आपने इसको भरना है। ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा,
व्हेन इट बेक्स. तो प्लीज़ ज़्यादा इसको ओवरफिल नहीं करिएगा, एक एक चम्मच काफ़ी है. जब ये बन के निकलेगा तो आपको समझ आएगा मैंने क्या बनाया है. छोटे से स्पंज केक्स हैं, हनी फ्लेवर्ड, शहद का टेस्ट इसमें. आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? नंबर चल रहा है कि नहीं हमारे स्क्रीन पे? क्योंकि हमारे कॉलर्स मुझे लगता है सो गए हैं सारे. ठीक है, अब इसको दो तीन बैचेस में मुझे करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट नो वेयर इज़ माई अदर टिन. मेरे पास थे दो टिन्स लेकिन अभी मुझे एक ही मिला है आज. सो आई एम गोइंग टू डू इट इन बैचेस. ठीक है जी, ये रखते जाइए और थोड़ा सा इस तरह, ये देखें ये ज़रा एक्सेस आ गया है, इसको ऐसे कर देते हैं. ठीक है जी, अब इसको हम बेक करने रख देंगे. और ये बहुत जल्दी जल्दी बेक हो जाते हैं, छोटे से तो केक्स हैं ये. वेरी सिंपल, आसान सा, और ये झटपट तैयार भी हो जाते हैं. अगर मेहमान आ रहे हों, कुछ हो, आपको प्लेन नहीं बनाने हैं तो आप इनको निकालिएगा, जाली पे ठंडा करिएगा, थोड़ी सी चॉकलेट पिघलाइएगा, उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा. यू कैन डू दैट ऑल्सो. फीका अनसॉल्टेड मक्खन 150 ग्राम, 150 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 150 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शहद, और हमने 3 अदद अंडों का इस्तेमाल किया था, और मक्खन के साथ और मैदे मक्खन के साथ मोल्ड को ग्रीस किया था, मैदा छिड़का था, फिर एक्सेस मैदा फेंक दिया था. सो दिस बैटर स्टेज हियर ओनली. ये एक्सेस मक्खन है. ठीक है हमारे पास. अंबर हैं कराची से जी, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम बर्नर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम बर्नर जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कॉलर सो नहीं रहे हैं, कॉलर नमाज पढ़ रहे थे. क्या जी? कॉलर सो नहीं रहे, कॉलर नमाज पढ़ रहे थे. अच्छा, ओके, चले. नमाज पढ़ी थी. ठीक है, ओके जी, फरमाइए. और मैं आपकी शो की तारीफ करूंगी दाना, बहुत अच्छा शो है. आज मैं खीर बना रही हूँ चावलों की. अच्छा, कल जो मैंने दूध पाक बनाया था वो आपने देखा था? मैंने अभी ट्राई नहीं किया है और मैं आपकी रेसिपी फॉलो करती हूँ. थैंक यू. खीर अच्छी बनेगी तो मैं आपको पिक्चर भी सेंड करूंगी. ओके, बहुत शुक्रिया. इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज देखते रहिएगा. आज हमने कोई सवाल नहीं रखा. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, जब तक मैडेलाइंस हमारे बेक हो रहे हैं, यू नो व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू डू अ क्विक झटपट इसका डिटेल्ड कबाब का हम क्या करेंगे. कौन मेथी के सीख कबाब बना रहे हैं हम? आप सोचेंगे कौन और मेथी के सीख कबाब. ओके यस, मकई है, 1 कप जितना मकई लीजिएगा. अगर आपने टिन में से निकाला हो तो उसको अच्छी तरह ड्रेन कर दीजिएगा. धनिया और पुदीना यहाँ है, उसको चॉप करके रखा है. और मेथी है, ये मेथी के लीव्स हैं, फेन्यूग्रीक लीव्स. ठीक है, ओके जी, ये जाएंगे इसमें. और अच्छी तरह धोइएगा, बहुत मिट्टी इसमें होती है. हरी मिर्चें हैं, प्याज है, बॉईल करके आलू रखे हुए हैं, उसको हमें मैश करके डालना है. अदरक और लहसुन है, चॉप कर दीजिएगा. प्लीज़ पेस्ट हर चीज़ में नहीं डालिएगा, ये मुंह में आएगा, अच्छा सा एक टेस्ट आएगा, बहुत रिफ्रेशिंग सा लगता है जब अदरक और लहसुन आपने ताज़ा ताज़ा चॉप किया हो. ठीक है, और ये सब कुछ आप फूड प्रोसेसर में डाल सकते हैं. धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर इज आमचूर, खटाई पाउडर, वो जाएगा इसमें. बहुत अच्छा एक जिंग आएगा कबाब में. और इसमें हम डालेंगे क्रिस्पीनेस के लिए, बाइंड करने के लिए, ऑल्सो सम राइस फ्लावर, यानी के चावल का आटा. उसके अलावा हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, हर चीज़ मिक्स करेंगे, लेकिन आलू को मैश करना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसको शेप दे सकें. फिर यहाँ मैंने स्कूअर्स रखे हुए हैं पानी में भिगो के. आपको पता है क्यों पानी में भिगोते हैं? इसलिए कि वो जले ना ऑन योर बारबेक्यू और योर ग्रिल और योर फ्राइंग पैन. ठीक है, पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, लकड़ी वाले जो स्कूअर्स होते हैं वो. और फिर हम इसको सर्व करेंगे विथ अ डिप. दही के अंदर हम हरी चटनी डाल के मिक्स कर देंगे, प्याज के लच्छे हैं, थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया डालेंगे. निगत हैं कराची से, पहले उनसे बात करते हैं जी. हेलो, वालेकुम जरना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज भी बहुत अच्छी रेसिपी हमेशा की तरह. अच्छा, मेथी का मुझे पूछना था, ये छोटी वाली मेथी ली कि आपने बड़ी मेथी? आवाज़ नहीं आ रही. नहीं नहीं, बड़ी है, बड़ी है. देखें सीजन की है, आजकल सीजन है. जी जी, है ना, अभी इतनी सारी मिल रही है. अच्छा, और इसी वाली को मैं अवन में हल्की आंच पे सुखा भी देती हूँ, इससे बहुत अच्छा कसूरी मेथी का पाउडर बन जाता है. अच्छा हाँ, हम लोग रेडीमेड देते ना कसूरी मेथी. अच्छा, मेथी के चरण में जरूर ट्राई करूंगी. थैंक यू, देखिएगा, बनाइएगा.
थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त तो नहीं है हमारा। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप कर देते हैं, चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे सारी चीज़ें आपके सामने, शेप दे देंगे सीख कबाब को, और विल पुट देम ऑन दी स्कूअर्स। ठीक है, आप स्कूअर के बगैर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और फिर हम इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे एंड देन विल प्रेजेंट इट विथ ऑल दिस लवली अकम्पनीमेंट्स जो इसके साथ हैं। मुझे आ रही है खुशबू, अवन की तरफ भी मुझे चलना है और ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो मैं ब्रेक में अवन में चेक कर दूंगी मेडलाइंस कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, मैं यहाँ हूँ इसलिए कि एक बैच हो गए थे, देखें ये इसी तरह होंगे, इसी तरह ये पीक इनकी होनी चाहिए और ये आपके मेडलाइंस रेडी हैं। ठीक है, आप इनको जाली पे रख दीजिए, और दूसरा बैच मैंने रख दिया है, 3-4 दफ़ा मुझे इसको करना पड़ेगा तो ही ये पूरा बैटर ख़त्म होगा। ओके, आपको टाइम हो तो आप बैटर को थोड़ी देर छोड़िएगा, फिर बेक करने रख दीजिएगा। सो आई एम डन विद दिस रेसिपी नाउ। अब हम आ जाते हैं मेथी कॉर्न सीख कबाब्स की तरफ। ये है मकई, टिन का अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ इसका पानी अच्छी तरह निथार दीजिएगा, पानी नहीं चला जाए फिर वो कबाब फॉर्म नहीं होंगे। ओके, इसमें आप अदरक और लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ, ये बड़ा बड़ा चॉप कर दीजिएगा, इसमें अंदर वैसे ही सब कुछ चीज़ को मिल जाना ही है ना। ओके, ये अदरक लहसुन, और ये है हरी मिर्चें, पुदीना यानी मिंट, और हरा धनिया, और ये मेथी फेनुग्रीक लीव्स। ठीक है जी, ये हुआ, और प्याज। नाउ इसको हटा देते हैं यहाँ से। और हर चीज़ को फूड प्रोसेसर में पीस लेते हैं। शर्जील नॉट वर्किंग। Come on। अच्छा जी, आलू भी हम जो मशीन्स हैं ना हमारे, वो कभी कभार ऐसे करते हैं। अब ये पूरा कॉर्न मैं चाहती हूँ कि अंदर चला जाए ताकि अच्छी तरह पिस जाए। बाइंड करेंगे आलू के साथ जिसको मैश करके रखा है, धनिया पुदीना हरी मिर्चें प्याज मकई, और हमने इसमें मेथी डाली थी। दोबारा इसको ऐसे नीचे करते रहिएगा, कुछ पीसेस बड़े रह जाएंगे तो वो बाइंडिंग के वक्त फिर वो सीख कबाब टूट जाएंगे, ये याद रखिएगा। ओके, इट शुड बी नाइस एंड पेस्टी। मेडलाइंस मुझे याद दिलाइएगा, हर 5-5, 10-10 मिनट में हो रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने 200 या 210 डिग्रीज पे आप बेक करिएगा, 180 पे नहीं। ठीक है जी, ये हो गया अच्छी तरह। अब हम मिक्स कर देते हैं हर चीज़। पहले इसको हम फूड प्रोसेसर में से एक बोल में निकाल देते हैं ताकि आसानी हो मेरे लिए भी। फिर इसमें हम जो चीज़ें डालने जा रहे हैं ना, पहले तो हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं, जो मैंने 2 से 3 बड़े आलू लिए थे और मैंने उसको मैश कर दिया था बॉईल करके। इसको आप अंदर मिक्स कर दीजिए। आलू मैंने फूड प्रोसेसर में नहीं डाले, फिर वो बहुत लेसी सा टाइप हो जाता है।
हर चीज़ अच्छी तरह हमें मिक्स करनी है। अब इसमें हम मसाले वगैरह भी डालेंगे, सो आई विल पुट दिस हियर ताकि आप लोगों को नज़र आए। इन चीज़ों को हम हटा देते हैं। आलू बॉईल करते वक्त नमक नहीं डाला था मैंने, ठीक है, सो ये नमक। फिर इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है, और इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, ये गरम मसाला पाउडर है। फिर ये है आमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, ये चला गया, और इसमें थोड़ा सा अबाउट टेबल स्पून और सो ऑफ मैदा जाएगा, और चाट मसाला बाद में। चावल का आटा है ये, राइस फ्लावर। पहले मैं इसमें एक टेबल स्पून डालती हूँ, मिक्स करके सब कुछ देखती हूँ। अब मैं रिपीट करती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने डाली थी। फूड प्रोसेसर में हमने प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, मेथी, ठीक है, ताज़ी मेथी यानी फेनुग्रीक लीव्स, मकई, अदरक और लहसुन डाल दिया था। सब कुछ अच्छी तरह पिस गया, तो फिर आपने उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर यानी आमचूर पाउडर, मैदा और चावल का आटा यानी राइस फ्लावर, चाट मसाला आप अंदर डालें, ऊपर डालें, मैं बाद में ऊपर से डालूंगी। अब हर चीज़ को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, सारी चीज़ों को। फिर छोटे कबाब बनाइए, या आप उसको हल्का सा शैलो फ्राई कर दीजिए, या आप स्कूअर्स पर लगाइए, सीख कबाब्स है ना, सो स्कूअर्स पे लगाइए, या फिंगर शेप में छोटे सीख कबाब्स, मिनी सीख कबाब्स बना लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये दही के डिप के साथ, दही के अंदर मैं हरी चटनी डालूंगी और हम चाट मसाला ऊपर छिड़केंगे, और ये जो प्याज के लच्छे हैं वो ऊपर से जाएंगे। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। दोबारा खुशबू आ रही है अवन में। अच्छा, आप प्लीज़ देख लीजिए या दिखा दीजिए, दीज हैव रिजन सो वेल बिकॉज ऑफ द बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसको इसी तरह बनाइएगा, इसी तरह राइज होने चाहिए, डोम होने चाहिए। ये डोम वाले ही मेडलाइंस होते हैं, इसको फ्लैट नहीं होना चाहिए, इसी तरह बनते हैं। अब इसके ऊपर आप आइसिंग शुगर छिड़क दीजिए या आप इसको खाइए, मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी। ये है आपका प्लेन केक, लिटरली प्लेन केक है एक, ठीक है, लेकिन हनी फ्लेवर का है, और इसीलिए बाहर से भी इस तरह ब्राउन हुआ है बिकॉज ऑफ द हनी इनसाइड। नाउ ये टूट गया है तो मुझे खाना पड़ेगा लाजमी, क्या करें, टूटा हुआ तो नहीं रखेंगे ना प्लेटर पे हम। चलिए ये सब कुछ हो गया मिक्स, हाथों से कर दीजिए, स्पैचुला से कर दीजिए, समहाउ मैं ग्लव्स ना इस्तेमाल करती हूँ, ना आई एम इन फेवर ऑफ यूजिंग प्लास्टिक इन माई हैंड्स। सो हाथ धो के सुखा के हाथ से करिए, या फिर इस तरह स्पैचुला या वुडन स्पून से करिए। एटलीस्ट ऑन द स्क्रीन इट लुक्स वेरी अनटाइडी, पूरे हाथ अंदर किसी भी बैटर में, आई कॉन्ट डू इट। कुछ लोग कहते हैं हाथों से ही सही तरह मिक्स होता है, वेल दैट्स देयर ओपिनियन, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। फूड प्रोसेसर में आलू नहीं डालिएगा प्लीज़, देखिए ये भी तो मिक्स हो ही गया ना अच्छी तरह। पूरा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं ये जो दही है मेरे पास उसमें मैं हरी चटनी डाल देती हूँ। हरी चटनी आप सोचेंगे किससे बनाई है, मैंने आपको बहुत दफ़ा बनाना भी सिखा चुकी हूँ। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा खोपरा, लहसुन, ज़ीरा, नमक, नींबू या सिरका, सब कुछ ब्लेंडर में ब्लेंड कर दीजिए। यानी दिस इज़ योर यमी योगर्ट डिप रेडी इन नो टाइम बिकॉज मैंने दही के अंदर सिर्फ ये चटनी मिक्स कर दी। ये भी हो गया। ओके, अब मैं बाइंड करके देखूंगी, बाइंड होंगे तो सही है, वरना फिर इसमें थोड़ा सा और हमें चावल का आटा डालना पड़ेगा बिकॉज टोटल 2 टेबल स्पून था। ठीक है, हाथ में लीजिए थोड़ा सा, एंड आप इस तरह उसको बाइंड जब करेंगे फिर आप स्टिक्स पे लगाइए, नहीं करना है स्टिक पे नहीं करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इस तरह के हमने शेप्स देते जाने हैं। मैं एक प्लेट ले आऊँ, उस पर मैं रखती जाऊँ। ठीक है, बाइंड हो गया है। हाथ से इस तरह दबा दीजिएगा, और प्लीज़ मेक श्योर इसमें तो कुछ भी कच्चा है ही नहीं, हमें तो कुछ भी पकाना है ही नहीं ना, तो बस ये हल्का सा शैलो फ्राई कर दीजिएगा। इस तरह के
बनाते जाइए। खुशबू आ रही है और मुझे आई वॉन्ट टू गो एंड टेक देम आउट। ऐसे टाइम पे आई वॉन्ट एन असिस्टेंट विथ मी। क्या ख्याल है? हाथ धोने पड़ेंगे, उसको देखना पड़ेगा वरना वो जल जाएगा। और मुझे नेक्स्ट बैच ऑफ मेडलाइंस भी तो अवन में डालने हैं ना। अच्छा, ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। इसके बाद पोटैटो सैलेड बाकी है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। दो पैन्स में कर रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं होगा फिर हमारे पास। आप स्कूअर के साथ करिएगा, स्कूअर्स के साथ इस पर फिट नहीं आएगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू इट एंड देन जस्ट ऐसे ही हम शो के लिए स्कूअर लगा देंगे। व्हाट टू डू? ओके, तो हनी मेडलाइंस आर रेडी। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। और भी सेकेंड बैच भी मैंने डाल दिया है अंदर, बेक हो रहा है। और इसी तरह तीन बैचेज में मैंने किया बिकॉज आई ओनली हैड वन ट्रे। आपके पास दो ट्रेज हों तो आप कर दीजिएगा। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मुझे तो इसको ऐसे ही अंदर रख देना है। हल्का सा हम घुमाएंगे इसको बिकॉज इसमें कोई भी कुकिंग तो इन्वॉल्व है ही नहीं, कुछ कच्चा है ही नहीं। आलू भी बॉइल्ड हैं और हम यूज़ कर रहे हैं शेफ़ कुकवेयर। और आपको पता है कि ये जो है कंपनी, ये पहले हैं जो पाकिस्तान में प्रेशर कुकर्स बना चुके हैं और हमने सारे शेफ्स ने अपने शोज़ पे इनके बर्तन इस्तेमाल किए हैं। और जो इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। आप भी घर लाइएगा, ऑनलाइन भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसको हम ऐसे ही टर्न करेंगे, ठीक है, हल्का हल्का। और यहाँ तो नेक्स्ट बैच इज ऑल्सो राइजिंग, अभी हो रहा है। ओके, का सा टर्न कर दीजिएगा। अभी भी सॉफ्ट है, आप चाहें तो आप दो चमचे भर के इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं। कोई अंडा क्रम कुछ भी नहीं है, हल्का सा आपने इसको टोस्ट टाइप करना है, बहुत फ्राई भी नहीं करना है, शैलो। मेडलाइंस को मैं ठंडा करूंगी ऑन माय वायर रैक, उसके बाद मैं यहां रखूंगी। ये जो हो रहे हैं इनको भी हम प्लेटर पे रखेंगे। और ये दही की चटनी है, चाट मसाला है, हरा धनिया है, ये सब कुछ ऊपर से जाएगा। प्याज के लच्छे हैं, बड़ा पैन हो ना उसमें आप स्क्यूअर्स के साथ रख दीजिएगा बिकॉज देयर इज नो जगह इन दिस फ्राइंग पैन। एक प्लेट में निकाल देंगे जिस पे हम पेपर रख देते हैं ताकि एक्सेस जो तेल हो वो पूरा जज्ब हो जाए। मिसेस उमेर हैं कराची से। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, आपके सामने फरमाइए। आज क्या बना रही हैं? मेरी लाइट उसमें आ नहीं रही है। ओहो, रात में 10:30 बजे रिपीट में प्लीज देख लीजिएगा क्या बना रही हूँ मैं आज। हनी मेडलाइंस बना चुकी हूँ, छोटे छोटे स्पंज केक्स, और मैं कॉर्न और मेथी के कबाब बना रही हूँ। और उसके अलावा मैं बनाऊंगी एक बहुत ही आसान सी पोटैटो सैलड। गुड, कॉर्न और मेथी के कबाब जी, ये कुछ यूनिक लग रहा है, तो देखिएगा ना फिर रात में रिपीट में। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। आज का कोई क्वेश्चन है? जी नहीं, सवाल नहीं रखा हमने कोई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्रिस्पी सा होगा ये बिकॉज ऑफ द चावल का आटा। बहुत कम तेल में इसको प्लीज शैलो फ्राई कर दीजिएगा, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल इन दिस। और बहुत सॉफ्ट हैं तो आसानी से ये बना दीजिए। स्कूअर्स लगा देंगे हम फिर और
ये जो हैं उनको भी रख देते हैं। ठीक है, तेल पूरा निथार दीजिएगा, उसके बाद रखिएगा इसको। मैं यहाँ रखती हूँ, अभी ये नहीं हुआ। अच्छा जी, जब तक ये सब कुछ हो रहा है, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, ब्रेक से आएंगे तो मैं आसान सी एक पोटैटो सैलड आपको बस असेंबलिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कौन मेथी सीख कबाब अच्छा, कौन एक कप कटा पुदीना और धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, मेथी मुट्ठी भर, हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, उबले और कुचले आलू 2 अदद, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, कद्दूकश लहसुन 4 जवे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला चुटकी भर, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, मैदा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला छिड़कने के लिए, गोल कटी प्याज सर्व के लिए, हरा धनिया सर्व के लिए, योगर्ट डिप सर्व के लिए। तरकीब, ब्लेंडर में कॉर्न, मेथी, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें ब्लेंड कर लें। एक प्याले में उबले और कुचले आलू, कटी प्याज, कद्दूकश किया हुआ अदरक और लहसुन और ब्लेंड किए हुए कॉर्न अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, चावल का आटा और मैदा शामिल कर दें। स्क्यूअर पर तैयार आमेजे के कबाब बनाकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। फिर किचन पेपर पर निकालकर चाट मसाला छिड़कें, डिश में निकालकर गोल कटी प्याज, हरे धनिए और योगर्ट डिप के साथ सर्व करें। हनी मेडेलेंस अज्जा, फीका मक्खन 150 ग्राम, अंडे 3 अदद, कस्टर्ड शुगर 150 ग्राम, मैदा 150 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, शहद 1 चाय का चमचा, मक्खन ग्रीस के लिए, मैदा ग्रीस के लिए। तरकीब, मक्खन पिघलाकर ठंडा होने दें। एक प्याले में अंडे और चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, शहद और पिघला हुआ मक्खन शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं। ये बैटर गाढ़ा होगा। तैयार आमेजा घंटा भर फ्रिज में रखें। मेडेलेन मोल्ड को मक्खन से अच्छी तरह ग्रीस करके मैदा छिड़कें और तैयार आमेजा डाल दें। 210 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म अवन में मेडेलेंस फूलने और लाइट गोल्डन होने तक बेक करें। अवन से जाली पर निकाल के ठंडा होने दें। हस्बे मंशा गर्म या ठंडा सर्व करें। पोटैटो सैलड अज्जा, आलू 3 से 4 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, चॉप्ड सैलरी 2 अदद, सलाद के पत्ते 1 अदद, उबला अंडा 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, लीमू का रस आधा लीमू का, नमक हसबे जायका, काले मिर्च हसबे ज़रूरत। तरकीब, आलू छीलकर चौकोर काटें और उबाल लें। एक प्याले में मेयोनीज, दही, चीनी, लीमू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाकर ड्रेसिंग तैयार कर लें। अब आलू, हरी प्याज और सैलरी मिलाकर ऊपर ड्रेसिंग डालें। घंटे भर के लिए फ्रिज में रखें। सर्व करते वक्त सलाद के पत्ते को पतले स्ट्रिप्स में काटकर डिश में सजाएं। ऊपर ठंडा पोटैटो सैलड उबले अंडे के स्लाइस से गार्निश करें। पोटैटो सैलड अज्जा, आलू 3 से 4 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, चॉप्ड सैलरी 2 अदद, सलाद के पत्ते 1 अदद, उबला अंडा 1 अदद। ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, चीनी आधा चाय का चमचा, लीमू का रस आधा लीमू का, नमक हसबे जायका, काले मिर्च हसबे ज़रूरत। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और यहाँ मैंने कॉर्न मेथी के सीख कबाब जो बनाए थे उस पर यहाँ मैंने ऐसे ही स्टिक ऐसे ही बाद में लगा दी। ठीक है, प्याज के लच्छे हैं, वो हरी चटनी है यहाँ, और हमने इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। दैट्स ऑल एंड दिस इज़ रेडी टू सर्व। ठीक है जी, ये हो गया। मेडेलाइंस भी मैंने रख दिए हैं, लेकिन मेडेलाइंस को कभी ऐसे नहीं जाने देंगे ना हम। क्या करेंगे मेडेलाइंस को, थोड़ी सी चीनी लेंगे छन्नी में और इस तरह ऊपर ठंडे हो जाएं, फिर छिड़किएगा। गरम गरम में छिड़केंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी चीनी इसके अंदर जज्ब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। देखा आपने, इस तरह ये ऑल द मेडेलाइंस आर आउट एंड इसी तरह डस्ट कर दीजिएगा आइसिंग शुगर या चीनी पिसी हुई। बस दैट्स इट, डन। अब हम क्या करेंगे, पोटैटो सैलड असेंबल करेंगे। 2 से 3 आलू ले लीजिएगा, बॉईल कर दीजिएगा, लेकिन क्यूब्स में पहले करिएगा, फिर बॉईल करिएगा। इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें दही जाएगा,
बहुत थोड़ी सी इसमें बराए नाम चीनी जाएगी, ठीक है। हरा प्याज है, 2 अदद हरे प्याज ले लीजिएगा, और सेलरी है, सेलरी एक स्टॉक चॉप करके डाल दीजिएगा, कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, और इसमें मेयोनीज जाएगी। ये बनाइए, चिल करिए और एंजॉय करिए। सोया की भाजी भी बहुत अच्छी रहती है, दिल यानी के, ठीक है। दही भी है इसमें, आलू हैं, हरे प्याज हैं, सेलरी है, सलाद के पत्ते अंदर डालने हो अंदर डालिए, साइड में रखने हो साइड में रखिए, बॉयल्ड एग ऊपर से हम स्लाइस करके डाल देंगे, और ड्रेसिंग में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया था, मेयोनीज है, दही है, चीनी है, ओह यस, लेमन जूस एज वेल। थोड़ा सा लेमन जूस, नमक और कुटी हुई काली मिर्चें। Take it out in your dish. और इसको क्लिंग लगाइए, चिल करिए और एंजॉय करिए। चॉप करके आप एग अंदर भी डाल सकते हैं, मैं ऊपर से बॉइल्ड एग के स्लाइसेस रख दूंगी, ओके? किसी भी तरीके से, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। हर दफ़ा बर्गर्स वगैरह के साथ डोंट सर्व फ्राइज, कभी इस तरह की सैलड भी होनी चाहिए। ये स्लाइसर है मेरा, इसमें आपने अंडा बॉयल किया हुआ था, स्लाइस करके आपने इसके स्लाइसेस रख दिए इस तरह। ठीक है जी, दिस इज ऑल्सो डन। सो आई होप आप आज की ये तीनों रेसिपीज ट्राई करेंगे। पोटैटो सैलड बहुत ही आसान, यमी सी, हेल्दी, न्यूट्रिशियस सी, झटपट तैयार हो गई। ये मेडेलाइंस मैंने शहद वाले बनाए थे इस दफ़ा, हनी मेडेलाइंस, ये भी छोटे से फ्रेंच केक्स रेडी हो गए, और मकई और मेथी के सीख कबाब हैं, ठीक है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, सो बार बार उसको टर्न नहीं करिएगा, टूट जाएंगे। और अगर आपको लगे बहुत सॉफ्ट हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ऐड 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा। इसी तरह बनाइएगा रेसिपीज, ट्राई करिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, उस वक्त देख लीजिएगा और नोट कर दीजिएगा अपनी डायरीज़ में जो कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।